नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि आज क्लास नहीं होगी, आपके सामने हूँ, मौजूद हूँ। टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज हम लोग काफ़ी लंबी प्रोसेस रखते हैं क्लास चलाने के लिए, तो कहीं भी अगर छोटी भी दिक्कत आएगी तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर क्लास नहीं होती तो मैं इन्फॉर्म जरूर करता कि आप लोगों की आज की क्लास नहीं होगी। अगर मैं इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब क्लास होगी, पक्का होगी और डेफिनेटली होगी, ठीक है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आज के सेशन में। एक बार सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पर सब लोग यस सर लिख दीजिए, ताकि सभी लोग जितने भी जुड़ रहे हैं सभी लोग यस सर लिख दीजिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आपको आवाज़ अच्छे से आ पा रही है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ पा रही हैं, कोई कैसे भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सब लोग लिख दीजिए, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों टेलीग्राम चैनल में, आज आप लोगों को सीडीपी के जितने भी साइकोलॉजीज हैं, सॉरी साइकट्रिस्ट की जो थ्योरी है, ठीक है, साइकट्रिस्ट नहीं साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरी है वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को दे दी है एक्चुअली, ठीक है। अगर आप में से स्टिल किसी को नहीं मिली है तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज सब लोग उस थ्योरी को जरूर ले लीजिएगा। साथ ही दोस्तों एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और सब लोगों के साथ नए साल के दूसरे दिन पर मुलाकात हो रही है। गिरे हैं हर बार फिर भी बेधड़क खड़े हैं, मेरे हौसले इन मुश्किलों से काफी बड़े हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी, बताइए इनमें से कौन वो है जिनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी। अमृता देवी बिश्नोई जी हैं वो, मेधा पाटेकर हैं, एके बनर्जी हैं या फिर सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, बताइए फटाफट से किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं साथियों, आप सब लोगों के लिए बढ़िया सेशन है, सभी लोगों को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है ना, और फटाफट से सभी लोग यहां पर सब लोग लाइक कर दीजिए और ये भी लिख दीजिए मजा आ रहा है ना। देखो यार, जब बात आती है ना चिपको आंदोलन की, आपको तीन चिपको आंदोलन है जो याद रखने हैं। पहला चिपको आंदोलन याद रखिएगा अमृता देवी बिश्नोई, जो कि कहां पर हुआ है, आपके राजस्थान में हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अमृता देवी बिश्नोई। दूसरा जो आप लोगों को याद रखना है वो है दोस्तों जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया, ठीक है, याद रखिएगा कहां पर किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, यूके में किया था, यूके का मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं उत्तराखंड। तीसरा जो आपको याद रखना है मेरे बेटे, ठीक है, मेरे बच्चों, ठीक है, मेरे दोस्तों, ठीक है, वो ये है, तीसरा जो आपको याद रखना है वो है किसका, हेगड़े जी का, किसका, हेगड़े जी का, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े। इन्होंने कहां किया था दोस्तों, पांडुरंग हेगड़े जी ने, इन्होंने साउथ इंडिया में किया था, साउथ इंडिया में, ठीक है, हमारे दक्षिण भारत में इन्होंने क्या किया भैया, चिपको आंदोलन किया। और इन्हीं के चिपको आंदोलन का एक और अलग नाम दिया गया जो कि याद रखिएगा अपिको आंदोलन। क्या नाम था बेटा, अपिको आंदोलन। ये क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा दो बार पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, और अमृता देवी बिश्नोई से रिलेटेड क्वेश्चन 7 बार पूछा जा चुका है। अब आप खुद लगा सकते हैं कि कौन सा इंपोर्टेंट ज्यादा है, कौन सा इंपोर्टेंट कम है, ठीक है, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, यस सर लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र जो है ना वो गोबर का लेप लगाते हैं, और ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं आप लोगों को, है ना, सबको मैंने कई बार कराया कि जो ग्रामीण लोग हैं वो गोबर का लेप लगाते हैं, चेहरे पे नहीं लगाते, घरों पे लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग गोबर का लेप लगाते हैं, किस पर, घरों पर, ठीक है, फर्श पर लगाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है बताओ भैया, जो गांव के लोग होते हैं ना वो थोड़े स्ट्रक्ट टाइप के होते हैं ना, उनके शरीर अच्छे होते हैं, उनकी बॉडी अच्छी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं, कारण है उनके पीछे, वो लोग काफी नेचुरल जिंदगी जीते हैं, नेचुरोपैथेरेपी उनकी तो घर पे बन रही होती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो घर को साफ करने के लिए आप गोबर का तो यूज नहीं करोगे, है ना, घर साफ करना है तो उल्टा आप गोबर को घर में आने तक नहीं दोगे, ठीक है, आप रफ करने के लिए कुछ भी यूज कर लोगे, लेकिन गोबर फ्रिक्शन थोड़े ना देता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेचुरल कलर, और आपको अगर नेचुरल कलर, ये गोबर का कौन सा नेचुरल कलर है जिसकी ये बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, कीप द इंसेक्ट्स अवे, कीड़ों को दूर रखने के लिए, जी हाँ, गांव में जो जीवन है वो नेचुरल है, काफी नेचर से रिलेटेड है, लेकिन वहीं पर छोटे छोटे कीड़े, सांप, मकौड़े, इन सब के आने का खतरा रहता है, उन खतरे को टालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आया तो लिखिए यस सर, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, वेरी गुड। इनमें से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य पूछे गए, तो यार मैप ना आपसे बहुत पूछे जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैप से आएंगे,
आप में से बहुत सारे लोगों को तो मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। अब आप लोगों को देखना है कि आप लोग आंसर कर पाते नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कराने के बावजूद आप लोग ये देख के चलिए कि हमसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है सोल्व। अगर सोल्व नहीं हो पा रहा है, सोल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब देर इज एन इश्यू, और उस इश्यू को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। आंसर करिए तीसरे का क्या आएगा। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के दो पड़ोसी राज्य, अगर हम मैप भी देखें ध्यान से तो हमारे हिमाचल प्रदेश और पंजाब बिल्कुल है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के बीच में डिफरेंस है यार, है ना। राजस्थान तो कतई नहीं होगा, राजस्थान तो नीचे की ओर आ गया बीच में, ठीक है, है ना। उत्तराखंड उधर साइड पड़ गया, ठीक है, यूपी वाली साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। आज से ठीक सप्ताह भर पहले मैंने एक मैप पकड़ाया था अपने छात्रों को, ये सोच कर ये समझ कर कि मेरे प्यारे मित्र जो हैं, ये मेरे प्यारे मित्र हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जो मैप दिया था मैंने, आप में से कितने लोगों ने मैप डाउनलोड कर लिया, अपने पास रख लिया है, यस से लिख दीजिए फटाफट से। आप में से कितने लोगों के पास ये मैप जो है वो है अवेलेबल, जिस जिसके पास ये मैप अवेलेबल है वो लिख दीजिए यस सर फटाफट से, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास ये मैप अवेलेबल नहीं है तो वो काफी समस्या की बात है, याद रखिएगा काफी समस्या की बात है, ठीक है। तो ये मैप जो है वो याद रखिएगा, आपको यहां पर याद रखना है, इसमें इंपोर्टेंट जितने भी राज्य हैं वो सारे दे दिए हैं, हालांकि सारे राज्य इंपोर्टेंट हैं, साथ ही उनकी राजधानियां भी दी गई हैं, राजधानियां ही पूछी जाएंगी, ठीक है। पूछा क्या गया है कि भैया जो जम्मू कश्मीर को उसके पड़ोसी राज्य, ये रहे दोनों राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्लॉट बहुत जरूरी है, 23 में नहीं आया है बेटा, 22 के पेपर में आया था, 24 में आने की पूरी पूरी उम्मीद है ना। चलो बहुत बढ़िया, बताओ फटाफट से, 23 में नहीं आया है, 24 में आने की पूरी उम्मीद है, आंसर करो फटाफट से लाडले मित्रों। करेक्ट आंसर क्या होगा, जितने भी दोस्त यहां पर जुड़े हुए हैं सही आंसर करना है एकदम, ठीक है, करेक्ट आंसर करना है, निल बटा सन्नाटा मत कर देना। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आनंद आ रहा है सबको, सबको आनंद आ रहा है, एक बार लिख दो यार, मजा आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, बहुत आंसर है कि अलबरूनी, अलबरूनी कौन था, एक कुतुब शाही सुल्तान जिसने 40 वर्ष तक राज किया। यार अगर राज करता वो भी 40 वर्ष तो हमें पता नहीं होता क्या, अफगानिस्तान के एक व्यापारी जो हमारे देश के शुष्क फलों के लिए आया था, उज्बेकिस्तान के एक यात्री जिसने एक पुस्तक लिखी है जो हमारे अतीत को जानने में सहायक है, एक यात्री जो लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इसकी पुस्तक का नाम कोई बताएगा मुझे, इसकी पुस्तक का नाप बताएगा, अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, आप में से कोई भी, ठीक है, कोई भी बताएगा आप में से कि अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है। यार मैंने कई बार आप लोगों के क्वेश्चन कराया है, मैंने बताया है कि भैया बार बार ये गलती दोहराते हैं मेरे छात्र, माउंट एवरेस्ट को भारत का हिस्सा देख बता देते हैं, ठीक है, भारत तो नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोग बताओ मुझे फटाफट से, आप लोग बताओ कि माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, आंसर करिए, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है। किताब उल हिंद, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, पिछले क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज किताब उल हिंद है, वेरी गुड, ठीक है। बताओ माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, बफरिंग हो रही है, ठीक है, तो नेपाल का पार्ट है, माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके सामने, डेजर्ट ओक एक वृक्ष है जो कहां पर पाया जाता है, फटाफट से आंसर करिए, डेजर्ट ओक एक वृक्ष है जो भी कहां पर पाया जाता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, जी हाँ कुछ फ्रेम्स ड्रॉप हुए, इंटरनेट का फ्लक्चुएशन हुआ था, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, ठीक है, कुछ फ्रेम्स ड्रॉप हुए लेकिन अब ठीक है, अब इंटरनेट ठीक आ रहा है। तो डेजर्ट ओक एक वृक्ष जो कहां पर पाया जाता है, देखो आबू धाबी में, डेजर्ट देखिए ये मत समझ जाना कि यार आबू धाबी में पाया जाता है, डेजर्ट ओक एक वृक्ष जो कि कहां पाया जाता है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे, जैसे डेजर्ट ओक दिखेगा ना उनकी आंखों में दिल आ जाएगा, ठीक है, एक बार आंखों में दिल वाला सिंबल भेजना कमेंट सेक्शन में, कौन सा सिंबल आ जाएगा, डेजर्ट देखा तो लगेगा यार डेजर्ट की बात हो रही है, आबू धाबी ही होगा, जो कि ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है, इसका तो करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या होगा लाडलो, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया यार किसी को, आप में से किसी को घूमना है,
कोई भी घूमना चाहता है यार यहाँ पर, कोई भी ऑस्ट्रेलिया मेरे साथ घूमने चलता है, जो भी चलना चाहता हो ऑस्ट्रेलिया वो प्लीज एक बार बता दीजिए। यस सर लिखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट घूम कर आएंगे। हैं बहुत बढ़िया, फ्री ऑफ कॉस्ट घूमना है तो ऐसे घूम सकते हैं, देखिए मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन किसी को साथ सच में अगर मेरे साथ चलना है तो बता देना दोस्तों, मैं रेडी हूँ, ठीक है, मेरी टिकट करा लेना और खाने पीने का खर्चा भी उठा लेना, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में दांडी समुद्र तट स्थित है, जहां महात्मा गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध मार्च किया था दोस्तों, ठीक है, अपना प्रसिद्ध मार्च किया था, बताइए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। जो छात्र पहले दिन लिखने लगते थे ना कि सर हमें घूमने चलना है, हमें घूमने चलना है, आज वो छात्र नो सर पे ज्यादा आ गए, तुम्हें पहले ही पता है कि सर ऐसे ऐसे कहने वाले हैं ना सब लोगों को, ठीक है, सब लोग जिस दिन सब लोग नो कहेंगे ना, जिस दिन सब लोग नो सर कहेंगे, सब लोग अगर नो सर लिख देंगे जिस दिन कि सर आप रहने दो, ठीक है, ठीक है, आप रहने दो सर, आप तो झूठ बोलते हो, नहीं लेके जाते हो, उस दिन कहूंगा कि आज लेके जा रहा हूं अपने पैसे से। करेक्ट आंसर दैट इज गुजरात, याद रखिएगा, ठीक है। तो यार जो दांडी यात्रा थी वो हक की लड़ाई थी, समझो भाई, आप लोग बताओ, मैं कहने लगू ए, 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 ए संजीव सांस मत ले, अंग्रेजों का राज चलता है देश में, सांस मत ले, ऐसा पॉसिबल है नहीं, है नेचुरल चीज है, नेचर ने दी है। वैसे अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज कह रहे थे कि जो नमक है ना, इस नमक पर तो सिर्फ अंग्रेजों का राज चल रहा है, अंग्रेज ही फैक्ट्री खोल सकते हैं, अंग्रेज ही नमक बना सकते हैं। अंग्रेजों की बात को महात्मा गांधी जी ने विरोध किया कि बेवकूफ बेवकूफ हो क्या, दिमाग नहीं है क्या तुम में, हाउशी वाउशी है, पिटविट के मानोगे क्या, तो नहीं, हालांकि गांधी जी ये बात कहते नहीं कि पिटविट के मानोगे, क्योंकि वो तो पता है आपको सत्य अहिंसा और अहिंसा उनका मार्ग था, लेकिन एक चीज थी, उन्होंने कहा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इस पर अधिकार हम सबका होना चाहिए, और इसी चीज के लिए गांधी जी ने दांडी तट यात्रा की थी और फाइनली जीत भी हुई है ना, और हम लोगों को मौका भी मिला कि हम लोग इस समुद्र से अब क्या बना सकते थे, नमक बना सकते थे, और एक बड़ा रेवोल्यूशन था। आप सोचो जब लड़ाई चल रही हो व्यापार की, तो आपका व्यापार अगर खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। चेराव कहां के लोगों का नृत्य है बताओ फटाफट से, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, चेराव कहां के लोगों का डांस है, वाह 400 लोग जुड़, ठीक है 400 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है फटाफट से सब लोग, ठीक है जितने भी दोस्त हैं सब लोग यार लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। और कल कहाँ घूमा घुमाई हुई बताओ, कहाँ कहीं घूम कर आए कल, या फिर यूं ही बिता दिया नया साल का पहला दिन, कहीं घूम कर आए, गए थे कहीं घर से बाहर, ये जितने भी गए होंगे ना, ठीक है करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज मिजोरम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक मिजोरम इसका करेक्ट आंसर है। चेराव कहाँ के लोगों का फेमस डांस है, मिजोरम के लोगों का फेमस डांस है, ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, जो नहीं गए वो तो खैर शादीशुदा है, लेकिन जो ये कल गए हैं ना, ये एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर घर से बाहर निकले हैं, जो ये कोचिंग के लिए कि सर वो सर सर एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं सर जी, है ना सर जी एक्स्ट्रा क्लास नहीं दे रहे हैं, ये जा रहे हैं किसी से मिलने, है ना, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मधुबनी एक राज्य गाँव के पारंपरिक कला का रूप है, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ठीक है। कल मैं निकला घर से बाहर, मैंने कहा चलो थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, जहां देखो वहीं पर छपरा छपरी घूम रहे थे, एकदम छपरी लोग घूम रहे थे एकदम, है ना, वो बाइक ले लेके वे 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 पो पो, अरे दिमाग खराब हो गया। क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से, मधुबनी राज्य एक गांव के नाम पर पारंपरिक कला का रूप है, मधुबनी बेटा बिहार की पारंपरिक कला है, बिहार में इसे चावल के पेस्ट से तैयार किया जाता है, नेचुरल कलर्स डाले जाते हैं, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे इस कला का इतना सुंदर रूप निकल कर आता है कि आप देखकर ही आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। बिहार में आर्टिस्ट की कमी नहीं है, समझ रहे हैं, बिहार में आर्टिस्ट की कमी नहीं है, बस रिसोर्सेज की कमी है, अगर बिहारियों को रिसोर्सेज पकड़ा दिए ना तो बिहारी सर पर चढ़ के बैठ जाएंगे, समझ रहे हैं, और देखो उसका जीता जागता उदाहरण है, जैसे जैसे इंटरनेट का एवोल्यूशन हो रहा है सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है ना बिहार से करता है, हमारे पास दोनों चैनलों पर सीटेट वाला चैनल उठा लो, पीआरटी वाला चैनल उठा लो, टीजीटी पीजीटी वाला चैनल उठा लो, सबसे ज्यादा बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है ना वो बिहार से पढ़ रहा है, बिहारी पढ़ने के बहुत इच्छुक होते हैं, उनको रिसोर्स चाहिए बस, जैसे उन्हें ऑनलाइन कोचिंग मिलने लगी ना सब ऑनलाइन बैठ गए एकदम, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो यार बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर
दो धर्मों का, बड़े धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म बौद्ध धर्म, जिन्होंने एक दशा बदल दी, पूरी दुनिया को दिशा दिखा दी थी। और एक समय था जब पूरा देश ही बिहार से चलता था, नालंदा से बेसिकली चलता था ये देश, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय इज़ वन ऑफ द फेवरेट विश्वविद्यालय जो लोगों का उस समय पर हुआ करता था। जैसे आज लोग क्या करते हैं भाई, उसने हार्वर्ड से क्या कर रखे, डिग्री कर रखे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसको बड़ा मान्यता मानी जाती है, उसको तोप खाना आ गया है ना, समझ रहे, नहीं समझ रहे, बहुत बड़ी तोप आ गया है कोई भाई हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी करके आया है, समझ रहे हैं। अब उस समय पर क्या था बेटा, अगर कोई नालंदा से पढ़ के आ जाता था ना, ग्रेजुएशन करके आता था, तो बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब आप लोग पता रहे, मतलब जैसे हम मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई भी उठ के चला गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोमवती उठ के चली गई, सोमवती कह रही है कि गुरु जी हमें एडमिशन लेना है, तो चार पंडित खड़े रहते थे द्वार पर कि बेटा यूनिवर्सिटी में प्रवेश तब मिलेगा, पहले चार प्रश्नों के उत्तर दो, और एक एक प्रश्न चारों पंडित पूछते थे, चार द्वार पंडित, नालंदा विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूँ। पुस्तकालय थे बकायदा, चार बड़े बड़े पुस्तकालय थे। तो ये हालत थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी टहल रहा है कुछ भी कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट थे वहां के। खैर आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य तौरंग का अर्थ जंगल है, और वहां पर कोई छपरा लड़की लड़के नहीं घूमते थे, छपरी लड़के लड़की नहीं घूमते थे कुछ भी, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर बताइए, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड, असम। अच्छा मैं एक और चीज सोचता था कि यार हमारे ना जो टीचर्स थे, सबको पता होगा हमारे टीचर्स ना मुर्गा बनाते थे, हाथ खड़े कराते थे, है ना, ऐसे हाथ कर लो, ठीक है, मुर्गा बना लो। हम लोगों को लगता था कि यार वो बहुत बड़ा कष्ट दे रहे हैं हम लोगों को, लेकिन यार सच बताऊं ना, वो लोग हमारे साथ ना हाथ खड़े कराना, मुर्गा बनाना, भाई साहब वो हमारी, हमसे बहुत आगे थे वो टीचर्स, समझ रहे हो। ये दंड की प्रणाली काफी सुखद प्रणाली है, अगर किसी को ऐसा दंड मिल जाए ना आधा घंटा, मैं तो कहूं कि उसका जीवन बदल रहा है। हालांकि अब तो क्या है कि अगर किसी के बच्चे को मुर्गा बना दे तो, हाँ नहीं हमारे बच्चे को मुर्गा नहीं बनाना है, लेकिन पहले सही करते थे लोग। कारण क्या, जब आप मुर्गा बनते हो, तो जब आप मुर्गा बनते हो बेटा, तो आप एक आसन कर रहे हो जिसमें आपका सर आगे की ओर है और पीछे से आपका ब्लड फ्लो कहाँ जा रहा है, सर की ओर जा रहा है। तो टीचर्स क्या करते थे, जब ब्लड फ्लो सर की ओर रहेगा तो सर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, दिमाग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और दिमाग की एक्टिविटी बढ़ेगी तो आप सीखोगे जल्दी, इसलिए आपको मुर्गा बनाया जाता था। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, झारखंड। जो तौरंग जंगल है, ठीक है, तौरंग का अर्थ जंगल जो है वो झारखंड है। कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा, वो झारखंड है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान किनके नेतृत्व में तैयार किया गया था, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। पड़ोसी कहां हो, ये राफत डेली अपने पड़ोसी को ढूंढती रहती है। भैया एक बात बताओ, तुम दोनों फिर जब पड़ोसी हो तो तुम दोनों साथ में बैठ के क्लास ले लिया करो, पड़ोसी को आके यहाँ पे काहे ढूंढते हो तुम। और बेटा ज्यादा ढूंढोगी ना तो ये सब एक दूसरे, जो जितने भी लड़के हैं ना इस क्लास में, रफत जितने भी लड़के हैं क्लास में, सब तुम्हारे पड़ोसी बन जाएंगे कुछ दिन में। एड्रेस मत बता देना इनको, वरना वहीं पर रूम वूम कमरा किराए पर ले लेंगे वहीं पर, ठीक है। चलो कि हमको ढूंढा जाता है यार, अगला क्वेश्चन बताओ, हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में तैयार किया गया था, याद रखिएगा। ये रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि जिन्होंने हमारे देश के पूरे अगर हम बात करें संविधान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और ही इज सच ए नाइस पर्सन। अगर आप तुम सोच भी सकते हो ना कि तुम पढ़ाई का क्या प्रतिमा हो सकती है, तो वही है। अच्छा इनमें से कौन सा सही युग्म है, सही मिलान करो, आप यहां पर सही मिलान करोगे तो भगवान जिंदगी में तुम्हारा सही मिलान करेगा, बताइए फटाफट से। और जो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे वो अपने घर में मुर्गा बनेंगे भाई साहब, ठीक है, तभी दिमाग चलेगा। कर्नाटक कथक में, असम बिहू में, उड़ीसा भरतनाट्यम में, तमिलनाडु लावणी डांस, कौन सा युग्म सही है। पता योगा आसन कराना ये सब गलत नहीं था, पता गलत क्या था, पिटाई लगा देना, थप्पड़ से मारना, डंडे से मारना, वो सब गलत था, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाय हाथ खड़े करा दो, इसमें क्या, योगा ही तो हो रहा है, उठक बैठक करा दो, योगा ही तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग हो रहा है बच्चा, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर है, दैट इज असम बिहू, है ना, असम बिहू का डांस, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से जानवर के दांत जो है हमेशा जिंदगी भर आगे वाले दांत बढ़ते रहते हैं, बताओ फटाफट से, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके आगे वाले दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी है, छिपकली है, चूहा है, दीमक है,
आंसर कर दो फटाफट से, कौन से ऐसे दांत हैं, ठीक है, जिसके दांत हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, जो हंसते बहुत ज्यादा ना उनके दांत हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, गिलहरी, इनमें से कौन, अरे हो गया यार, केरल के पड़ोसी राज्य बता दो, लो पड़ोसी, अब आंसर कर दो फटाफट से, पड़ोसी राज्य, ठीक है, अपने पड़ोसी को ढूंढते ढूंढते क्वेश्चन भी पड़ोसी वाला लगवा दिया है, बताओ केरल के पड़ोसी राज्य कौन से, कर्नाटक और महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है, कर्नाटक तमिलनाडु है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। मेरे जितने भी प्यारे लाडले मित्र दांत दिखा रहे हैं यहाँ पर सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि कृपया करके भैया लाइक का बटन दबा दो, बहुत कम लाइक है। आंसर आ गया इसका कर्नाटक और तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप मैप देखोगे तो क्या पूछ रहा है, केरल के पड़ोसी राज्य है, सामने आमने है ना, तो केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल जा रहा है फिर रांची जा रहा है, चले जाने देते हैं या फिर बताओ, पकड़ लेते हैं इसे, पकड़ लेते हैं, बताओ फटाफट से कि उसकी यात्राएं कौन कौन सी दिशा में होंगी, बताओ उसकी यात्राएं कौन कौन सी दिशा में होंगी, कहां जा रहा है भाई साहब, पहले जा रहे हैं दिल्ली से भोपाल, भोपाल से रांची, ठीक है, यहां जा रहे हैं भोपाल और भोपाल से जा रहे हैं रांची, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी, पहले नीचे की ओर फिर इधर, करेक्ट आंसर है साउथ एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट, साउथ की ओर होगी और फिर पूरब की ओर होगी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं, कुर्गे कहते हैं, इलगे कहते हैं, खुंटी कहते हैं, खुरपी कहते हैं, बताओ। कर्नाटक में जो किसान होते हैं वो मिट्टी को खोद देते हैं, नरम कर देते हैं, उस औजार को क्या कहते हैं, इलगे, कुर्गे, खुंटी, खुरपी, याद रखिएगा, ऐसे हम बोलते हैं खुंटी बेटा, है ना, जो किसान यूज करते हैं वो खुंटी कहलाती है, याद रखिएगा। अंडमान के द्वीपों में सुनामी कौन से साल आई थी, अब बताओ क्या क्या याद रखना पड़ता है सीटेट को पास करने के लिए, अब ये याद रखो कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी कौन से साल आई है, हद की बात है ना, पर याद रखना है तो रखना है भाई, बताओ फटाफट से अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी, 2001 में, 2002 में, 2012 में, 2004 में, बताओ अंडमान के द्वीपों में सुनामी कौन से साल आई थी, याद रखिएगा साल था 2004 जब अंडमान के द्वीपों में सुनामी आई थी, 2004 में आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, बताओ ओजोन छिद्र जो है वो किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है, फटाफट से आंसर करो, ओजोन जो है छिद्र वो किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है, करेक्ट आंसर है दैट इज अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है, ओजोन होल जो है बेटा वो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसके ऊपर आप लोगों को ये ओजोन होल देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1985 में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द किसने गढ़ा था, बताओ 1985 में जैव विविधता का जो शब्द है वो किसने गढ़ा था, वॉल्टर जी रोजेन ने, स्टीवन निको ने, अल्फ्रेड हिचकॉक ने, या फिर एडवर्ड स्मिथ ने, बताओ 1985 में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का जो शब्द है वो किसने गढ़ा था, वॉल्टर जी रोजेन, स्टीफन निक्रो, अल्फ्रेड हिचकॉक, एडवर्ड स्मिथ ने, करेक्ट आंसर है दैट इज वॉल्टर जी रोजेन ने, वॉल्टर जी रोजेन ने, ठीक है याद रखिएगा, वॉल्टर जी रोजेन ने बायोडायवर्सिटी वर्ड को जो है बेसिकली दिया है, किसने बायोडायवर्सिटी वर्ड को दिया है, वॉल्टर जी रोजेन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चावल कहां पर उगाया जाता है, उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के मैदान और भारत के तटीय क्षेत्र, बताओ चावल कहां पर उगाया जाता है, केवल एक, केवल दो, दोनों, ना एक ना दो, सर जी मेरी पहली क्लास है, वेरी गुड, बताओ चावल कहां पर उगाया जाता है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, बोथ, ना एक ना दो, चावल उगाया जाता है बेटा, ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में और भारत के तटीय क्षेत्र दोनों में उगाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशे का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है आर्टिफिशियल फाइबर का, बताओ नाइलॉन नहीं है, पॉलिस्टर नहीं है, रेयन नहीं है, जूट नहीं है, बताओ कौन सा इनमें से कृत्रिम रेशे का उदाहरण नहीं है, आंसर करो, नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, जूट,
करेक्ट आंसर याद रखिएगा, जूट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कृत्रिम रेशा, याद रखिएगा। आकार में पृथ्वी के सबसे समरूप कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के जैसा कौन सा ग्रह लगता है आकार में, सबसे समरूप कौन सा है? शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बताओ। सर पेड क्लास चलती है? हाँ जी बिल्कुल चलती है। पेड क्लास लेनी है तो किसी को भी हाई सीटेट करके मैसेज कर देना, ठीक है, इस वाले नंबर पर 91-137-82-617। ठीक, करेक्ट आंसर है बेटा, दैट इज वीनस, शुक्र ग्रह। आकार में पृथ्वी के सबसे समरूप ग्रह, पृथ्वी के जैसे जो ग्रह दिखता है वो कौन सा है? वो शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। ये शुक्र ग्रह है बेटा जो पृथ्वी के जैसे दिखता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंवला का मुरब्बा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक को अपनाया जाता है? संरक्षण की तकनीक, परिरक्षण की तकनीक, अपघटन या फिर पाश्चरीकरण, बताओ। जब हम आंवला का मुरब्बा तैयार करते हैं तो कौन सी तकनीक को अपनाया जाता है? संरक्षण, परिरक्षण, अपघटन, पाश्चरीकरण, आंसर कर दो फटाफट से। करेक्ट आंसर है बेटा शील्डिंग को अपनाया जाता है। किसको? परिरक्षण को अपनाया जाता है, शील्डिंग को अपनाया जाता है। आंवला का जब हम मुरब्बा तैयार करते हैं तो शील्डिंग को अपनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बी, अत्यधिक शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? पेट, त्वचा, हृदय या लिवर, बताओ। अगर आप बहुत ज्यादा शराब पियोगे तो कौन सा अंग जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हो जाएगा? पेट, त्वचा, हृदय या यकृत, याद रखिएगा सबसे ज्यादा यकृत प्रभावित होगा। ठीक है, अगर शराब बहुत ज्यादा पियेंगे तो यकृत काफी प्रभावित हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं कि ये हेल्दी लिवर है और ये एक फैटी लिवर है बेटा, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है फैटी लिवर। इनमें से किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस की प्रभाव की खोज की थी, बताओ। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी कौन से ने? जॉन टाइटल, रोलैंड जैक्सन, जोसेफ फोरियर या क्लाउड पायलट, बताओ। कौन सा वो व्यक्ति था जिसने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी? कितना पढ़ना पड़ेगा भैया, सारी क्लासेस मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे और 500 से अधिक पेपर मिलेंगे। करेक्ट आंसर है जोसेफ फोरियर बेटा, जोसेफ फोरियर वाज द वन जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस की खोज की थी। ग्रीन हाउस गैसेस क्या काम करती है बेटा? पृथ्वी के चारों ओर हमारे एटमोसफियर में जो है यूवी रेज को ब्लॉक कर देती है, याद रखिएगा। जो यूवी रेज है उनको काफी हद तक ब्लॉक कर देती है। सभी छात्र जितने भी हैं दोस्तों, कृपया करके लाइक का बटन दबाते चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिवार समाज की धुरी है ये कथन किसका है? सीएच कुले का, मैकेवर और पेज का, अगस्त कामते का या अरिस्टोटल का, बताओ। समाज क्या है? समाज, परिवार क्या है? समाज की धुरी है, ये कथन किसने दिया है? ये कथन सीएच कुले ने दिया, मैकेवर और पेज ने दिया, अगस्त कामते ने दिया, अरस्तु ने दिया है, बताओ। परिवार समाज की धुरी है ये कथन किसका है? यस, करेक्ट आंसर अगस्त कैम्प्टी है ना, अगस्त कैम्प्टी का है। परिवार जो है वो समाज की धुरी है, ये कथन अगस्त कैम्प्टी का है, याद रखिएगा। आम तौर पर डल झील में पाए जाने वाले पानी में बने घरों के रूप को किस रूप में जाना जाता है? मेहराब, खतमबंद, डोंगा या रेबो, बताओ। जो आमतौर पर जो डल झील में पाए जाते हैं पानी के घर, उनको किस रूप में जाना जाता है? मेहराब, खतमबंद, डोंगा या रेबो। करेक्ट आंसर है दैट इज बेटा डोंगा, डोंगा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आमतौर पर जो डल झील में पानी के घर हैं उनको डोंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कपोत अपना घोंसला कहां पर बनाता है? कैक्टस, पेड़, छालवल्क या फिर टांड, बताओ। कपोत अपना घोंसला कहां पर बनाता है? कैक्टस, पेड़, छालवल्क या टांड पर? करेक्ट आंसर है दैट इज कैक्टस। ठीक है, याद रखिएगा, कपोत अपना घोंसला कहां बनाता है? कैक्टस पर बनाता है। इनमें से कौन सा एक प्रकार की रेसेदार फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइबर क्रॉप, बताओ। कपास, जूट, गन्ना, सन, कौन सी एक रेसेदार फसल नहीं है, बताओ। कपास, जूट, गन्ना और सन। यस, याद रखिएगा, जो गन्ना है वो एक रेसेदार फसल नहीं है, वो रसदार फसल है। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी या फिर एल्पेका। भैया 600 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, लेकिन लाइक सिर्फ 300 भी नहीं पहुंचे यार, कम से कम 500 लाइक तो कर दो 600 में से,
500 लोग तो लाइक कर दो, टारगेट है 500 लाइक्स तक लेके चलो एक बार। तो करेक्ट आंसर है दैट इज बकरी, पश्मीना बकरी होती है जो कि इंसान के बालों से भी 6 गुना पतला बाल देती है, याद रखिएगा। इनमें से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं बेटा? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया, कौन से ऐसे रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं? आंसर करो, दैट इज मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या चिकनगुनिया, मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन से हैं बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। यस करेक्ट आंसर भैया, मलेरिया फैलता है, निमोनिया नहीं फैलता, डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कुछ रोग हैं बेटा, इनकी लिस्ट है, आप लोग चाहो तो एक स्नैपशॉट हो सकता है, ठीक है, सभी लोग फोटो खिंचा सकते हैं साथ में, यस स्माइल करते हुए, मैं स्माइल करूंगा, आप लोग फोटो लीजिए, आ गया बढ़िया लेना, ठीक है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, वर्षा के लिए पानी को भविष्य में संचित करना क्या कहलाता है? पता अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर, वर्षा जल के संचयन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि ग्राउंड वाटर काफी कम हो गया है, और ग्राउंड वाटर कम होगा तो काफी नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। कौन से ऐसे पौधे हैं जो कीटों को जाल में फंसा कर खा सकते हैं बताओ? ऐसे कौन से पौधे हैं बेटा जो कीटों को फंसा लेते हैं जाल में, ठीक है, कीटों को जाल में फंसा कर खा जा रहे हैं बताओ, वो कौन से पौधे हैं? याद रखिएगा वो पिचर प्लांट हैं जो कीड़ों को फंसा कर खा जा रहे हैं जाल में। अगला क्वेश्चन, पौधे में पानी देने की प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से सीधा पानी दिया जाता है क्या कहलाती है? नैनो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, फेम्टो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन बताओ, वो कौन सी सीधी तकनीक है जिससे पौधे की जड़ में सीधा पानी दिया जाता है? नैनो, माइक्रो, फेम्टो, ड्रिप। यस करेक्ट आंसर इज ड्रिप इरिगेशन, है ना, जो ड्रिप इरिगेशन है वो याद रखिएगा सीधी ऐसी तकनीक है जिससे पौधे की जड़ों में तकनीक पानी दिया जाता है, याद रखिएगा। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से क्या फैलती है? CO, CO2, SO2, NO बताओ, जो अधूरा जला जीवाश्म होता है उससे क्या फैलती है बताओ फटाफट से? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO। करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने का उपयोग होता है कहां पर? फीता कृमि, जोंक, केंचुए या फिर अंकुश कृमि, हुकवॉर्म्स। याद रखिएगा करेक्ट आंसर है दैट इज अर्थवॉर्म, केंचुए। ठीक है, जो केंचुए होते हैं वो वर्मो कंपोस्टिंग विधि का उपयोग करते हैं, किसके लिए? खाद बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा सांप है जो जहरीला नहीं है बताओ फटाफट से? दुबोई, अफई, भारतीय शैल अजगर या करैत? आप लोगों ने क्या किया वैसे नए साल पर? कल क्या किया था आप लोगों ने? कुछ नहीं किया, सोते रहे हैं भाई लोगों, सिर्फ सोते रहे क्या? ये पढ़ाई की। करेक्ट आंसर है दैट इज इंडियन रॉक पाइथन। भारत का यूथ ना, आज की मैं बता दूं, अभी भी पढ़ाई के ऊपर प्रायोरिटी पता किसको देगा? अगर उसको बोला जाए ना कि पढ़ाई कर लो और आज छुट्टी है, तो छुट्टी के छुट्टी वाले दिन सो लेगा लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा ना। एक तारीख को पढ़ाई क्यों करेंगे, वरना पूरे साल पढ़ना पड़ जाएगा, और पढ़ना तो बोझ है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसीलिए तो देखो ना, बिलो से निकल निकल कर 623 लोग आ गए। आज से 4 महीने पहले से क्लासेस ले रहा हूं सीटेट की 1:30 बजे। 200 से ऊपर छात्र नहीं थे, कभी 100 लोग आ गए, 200 लोग आ गए क्लास के अंदर। ये क्या दिखाता है कि हम तभी पढ़ते हैं जब बेटा पेपर होता है, हम तभी पढ़ते हैं जब पेपर हो जाता है। हस्बैंड से लड़ाई की उत्तरी के भाई साहब, हस्बैंड से लड़ाई किस बात में हो गई? पार्टी की पार्टी नहीं ले जा रहे होंगे, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दैट इज फैंग्स, विषदंत। कुछ ऐसे विषदंतों से बचें, जितनी भी लड़कियां हैं हमारी क्लास की मैं उनसे कहना चाहूंगा, ऐसे विषधारी बहुत घूम रहे हैं आजकल टीवी पर, ठीक है, ऐसे हुए या फिर देखो ऐसे हुए, ठीक है, ये सब फिक्शनल होता है काम। फिक्शनल का मतलब काल्पनिक कार्य होता है बेटा, वाकई में किसी इंसान के दांत नहीं है जो जहरीले दांत नहीं होते, ठीक है, ये सब जो भी दिखाया जा रहा है ये सिर्फ फिक्शनल है। अगर इसमें कोई ऐसा रोने वाला इंसिडेंट हो जाए करे तो पहली बात तो नहीं देखा ही मत करो,
मेरा तो ऐसा मानना है कि आपको कोई भी ऐसा टीवी सीरियल नहीं देखना चाहिए जिसमें आपके दिमाग का पतन हो, वो भी इस तरीके से कि भैया दांत जीभ निकल रही है और जीभ भी सांप वाली जीभ आ रही है। ऐसा करने से होता क्या, हमारे स्टूडेंट्स जो है उनके दिमाग का पतन हो जाता है। दिमाग का पतन इतना बुरा पतन हुआ कि वो सांप के इन फैंग्स को, ये हैं ओरिजिनल फैंग्स, इनको इसके फैंग्स समझने बैठ जाते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कोई इन्हें देख भी कैसे लेता है, देख रहे हो इसको। आगे बढ़ते हैं, सिंकोना पेड़ की, ये कौन सी सीरियल, कौन सा ये वाला कौन सा सीरियल है, कुछ पता है आप लोगों को? मुझे नहीं पता। सिंकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है बताइए सर। बीएसएस स्टेट में सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर फुल में से फुल। अरे हर चीज सेफ का भी कैसे बता दो, पेपर हुआ ना। करेक्ट आंसर बताओ, सिंकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, दैट इज छाल का उपयोग करते हैं हम लोग, बार का उपयोग करते हैं, ठीक है। रोनाल्ड को पुरस्कार मिला था 1902 में, एक बढ़िया खोज की थी उन्होंने, हालांकि उसमें मेरे से पूछे गए थे वो जब खोज कर रहे थे, तो मैंने बता दिया था, हेल्प कर दी थी, क्योंकि आपको तो पता मेरा हेल्पिंग नेचर बहुत है, क्लास में मैं हेल्प करता रहता हूं, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो जिस लड़की की हस्बैंड से लड़ाई हुई, ठीक है सिस्टर, एक चीज बता दो मुझे कि जो लड़ाई हुई उसमें हस्बैंड बच गया ना, सर्वर तो नहीं फूटा है ना उसका, ठीक है, तुम तो सेफ होंगे, तुम्हारे बारे में मुझे पता है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, दिस इज द करेक्ट थिंग, यू नीड टू नो अबाउट दैट, राइट। अगला क्वेश्चन, ठीक, झूम कृषि क्या है बताओ फटाफट से, ठीक है, झूम कृषि क्या है फटाफट से आंसर कर दो, ठीक है। ऑर्गेनिक जैविक कृषि स्लैश एवं बर्न, कीटनाशक का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, पतनिया बेटा इनसे लड़ाई मत करना कभी भी, इनकी लड़ाई में तुम कभी हार ही नहीं सकते, तुम कभी जीत ही नहीं सकते पत्नियों से, और तुम कभी पत्नियों के सामने ठीक हो ही नहीं सकते। अगर गलती पत्नी से पानी गिर गया ना, गलती से हाथ से निकल के, पत्नी के हाथ से पानी गिर गया, गलती से गिर गया, और तुम दूसरे कमरे में बैठे हुए हो, पता गलती तुम्हारी है, पत्नी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम उस कमरे में क्यों नहीं थे, ग्लास को कैच क्यों नहीं किया तुमने, समझ रहे हो। करेक्ट आंसर है दैट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, स्लैश एवं बर्न फार्मिंग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वे व्यक्ति जो वनों में काम करने से 25 वर्षों से हो रहे हो, उनका वन भूमि पर, देखो यार यही वाला क्वेश्चन 2023 में आया था बेटा, 25 की जगह 15 दे रखा था जानबूझ के, आंसर करो फटाफट से। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, 1927, 1988, 2019, करेक्ट आंसर कर दो फटाफट से। जैसे ही पत्नी से कोई गलती हो, ठीक है, अपने घर में तुरंत हाथ जोड़ लो, देवी मेरे से गलती हो गई, समझ रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बार बताऊं कि पत्नियों से गलती हो ही नहीं सकती। सर हस्बैंड सब मारते हैं, वाइफ नहीं मारती हैं, दयालु होती हैं बहुत, हस्बैंड मारते हैं, अरे ये मुझे मिलवाना जरा वो कौन शेर हस्बैंड है जो। करेक्ट आंसर है दैट इज राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है वो कायर कहलाता है, समझ रहे हो आप लोग, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है वो कायर होता है, ठीक है। हस्बैंड तो वही है ना जो रिस्पेक्ट दे सके, पता है साथियों, जिंदगी में ना हाथ चलाना बहुत आसान है, कोई तुमसे फालतू बोल गया थप्पड़ मार दो, बहुत आसान है, कितना आसान है, समझ रहे मेरी बात, लेकिन किसी की रिस्पेक्ट करना सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम्हें सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी पड़ रही है, बेशक वो तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें देनी पड़ रही है, वो डिफिकल्ट है।
जो पत्नी जो पति ऐसा करते हैं, जो पिटाई लगाते हैं, वायलेंस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनके अंदर का जमीर नहीं है, समझो। वो कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ में, समझ रहे हो, कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, बर्बादी उनकी तय है, निश्चित तौर पर उनका मानसिक पतन हो चुका है। अरे एक लड़की तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए अपना वो घर छोड़कर आती है जहां पर वो 20-25 सालों से रही है। 25 सालों से उसने अपने माँ पापा उनके साथ खेला है, कूदा है, भाई के साथ खेला है, वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर एक दिन ये सोच कर आती है कि चल आज से मेरा घर ना, ये वाला घर मेरा है, आज से जो हो पाएगा मैं इस घर के लिए करूंगी। तुम उस लड़की को सपोर्ट करने की बजाय तुम उस पर हाथ उठा लेते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है? हर एक लड़के को ये सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि जो फालतू की बातें करती रहती हैं, जो दिमाग खराब कर देती हैं, पेरेंट्स का जीना खराब कर देती हैं, ऐसी भी लड़कियां होती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि लड़का अपनी धौंस चलाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए लड़कियों को पीटते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केस झूठे भी हैं तो बहुत सारे केस सच्चे भी हैं, समझ रहे हैं? करेक्ट आंसर है दैट इज राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वयुक्त उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो जितने भी लड़के हैं मेरी क्लास में, बेटा एक चीज की सीख लो, जिंदगी में ये हाथ सिर्फ दुश्मन पर उठेगा, अपनी पत्नी अपने परिवार पर कभी नहीं उठना चाहिए। हाँ, बात जुबानी से लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ, ठीक है, क्या कर सकते हो दिमाग से करो, जो भी करना है, ठीक है। मधुमक्खी की सर्वयुक्त उपयुक्त विशेषता पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, नर मक्खी के कार्यकर्ता विशेष भूमिका नहीं है। सभी मादा अंडे देती है और कार्यकर्ता मक्खी भोजन खोजती है, उसे छत्ते से मिलकर लेकर आती है, ठीक है। और तुम्हारा रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा तो आप सीधा बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि यार रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, तुम देख लो, बिकॉज मैं नहीं सह सकता। लड़के को भी सहने की जरूरत नहीं है, मानसिक प्रताड़ना बिल्कुल सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दिमाग खराब हो रहा है, तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो तुम सिंपली हाथ उठाने की बजाय बोल दो कि यार देखो मेरे से, मेरे बस की नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, सिंपल। अब तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर दैट इज यस, ए बी एंड डी। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, काफी कुछ ज्ञान की बातें हो गई है ना। तो यार हाँ, टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों को, सब लोगों को, ठीक है, टेलीग्राम पर आप सब लोगों को मैंने बढ़िया से नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। सब लोगों ने नोट्स डाउनलोड भी कर लिए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, वैसे तो कम ही उम्मीद रखता हूँ मैं। सीटेट बाय लॉ के सर टेलीग्राम चैनल है ये रहा, ऐसा सर्च करोगे तो ऐसा दिखाई देगा बड़े बड़े में, सीटेट बाय लॉ के सर, ठीक है, सर्च कर लेना, जुड़ जाना। आप लोगों के लिए नोट्स देता हूँ, ठीक है, कोई किसी और के लिए नहीं देता हूँ, ठीक, समझ रहे हो? और पक पक बोलती है, गुस्सा बढ़ जाता है, ठीक है। सर आप अपनी स्टोरी सुना रहे हो, अरे यार मेरी स्टोरी तो अलग है, तुम लोग कभी सुनोगे ना तो तुम सुनते रह जाओगे, ठीक है। चलो, हमारी ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई होती नहीं है, होती भी है तो हम लोग वार्तालाप से सुलझा लेते हैं, और वही होना चाहिए। प्यार से रहो और कोई भी हाथ तापाही मत करो, कोशिश करो प्यार से रिलेशनशिप बनाए, है ना। जो गांठें आती हैं, देखो कोई भी धागा होता है उसमें गांठ आती है, हर एक रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, गांठें सुलझा दो, ये कि नहीं है धागा ही तोड़ दो आके, है ना। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।